दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि अधिक मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को कई आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। काम में सक्सेस पाने के बावजूद भी जेब में पैसा रुकता ही नहीं है, जिसकी वजह से परिवार को भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, पर क्या आप जानते हैं कि इन सब से बचने के भी कई आसान तरीके हैं, अर्थात आप पैसों की आर्थिक तंगी से बच सकते हैं। ये तो सभी जानते ही होंगे कि पैसों को अक्सर पर्स में ही रखा जाता है। तो दोस्तों, समुद्र शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें अपने पर्स में रखा जाए तो आपके पैसों में वृद्धि होती है और आपके पास पैसा टिकता भी है। लक्ष्मी का चित्र। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि माँ लक्ष्मी धन की देवी है, इसलिए अगर आप अपने पर्स में धन की देवी लक्ष्मी का चित्र रखते हैं तो आपको कभी भी धन संबंधी परेशानी नहीं होगी तथा कभी भी आपका पर्स खाली नहीं रहेगा। जी हाँ, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। कमल के बीज रखें। समुद्र शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पर्स में कमल गट्टे अर्थात कमल के बीज रखने से आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहता है। इससे आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी तथा साथ ही आपके परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी। चावल रखें। पर्स में चावल रखने से बहुत लाभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि पर्स में थोड़े से चावल रखने से फिजूल खर्ची रुक जाती है। जी हाँ, और आपके पैसों की बचत होती है। जी हाँ दोस्तों, पर्स में चावल रखने से आप फालतू के खर्चों से बच जाते हैं और बरकत में भी वृद्धि होती है। श्रीयंत्र रखें। अपने पर्स में हमेशा श्रीयंत्र रखें। श्रीयंत्र पर्स में रखने से पैसों से संबंधित सभी कार्यों में लाभ होता है और आपको कभी भी धन संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहती है। पर ध्यान रखें कि श्रीयंत्र को सदैव अपने पर्स में रखना चाहिए, इसे कभी भी बाहर ना निकालें। छोटा शीशा रखें। अगर आपके पर्स में बिल्कुल भी पैसे नहीं टिकते हैं तो इसके लिए अपने पर्स में हमेशा छोटा सा शीशा रखना शुरू कर दें। इससे धन की बचत होती है और साथ ही फिजूल खर्चे भी नहीं होते हैं और साथ साथ ही आपको अपने कामों में भी सक्सेस मिलती है। चांदी का सिक्का रखें। अगर आपके पास कोई भी चांदी का सिक्का पड़ा हो तो उसे तुरंत अपने पर्स में रख दें। इसे पर्स में रखने से धन लाभ होता है। पर दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखें कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पहले इसे घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों में जरूर रखें। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है और आपको कभी भी धन संबंधी परेशानियां नहीं होती हैं। रुद्राक्ष रखें। समुद्र शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं टिकता है या फिर आप फालतू का खर्चा कर देते हैं तो इन सब से बचने के लिए अपने पर्स में हमेशा रुद्राक्ष रखें। इसे रखने से दरिद्रता दूर होती है और धन वृद्धि होती है। आपको कभी भी धन हानि नहीं होगी और साथ ही आप फालतू के खर्चे करने से भी बचेंगे।